कौशाम्बी के बाद रुख करते हैं गोरखपुर का, जहां रेलवे स्टेशन के पास सड़क पर बेसहारा बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ये वो बच्चे हैं जो रेलवे स्टेशन के पास कूड़ा बीनने का काम करते थे, लेकिन अब उनके अंधकार भरी जिंदगी में शिक्षा की अलख जगाई जा रही है। गोरखपुर में खुले आसमान के नीचे ये सीमा अग्रवाल की पाठशाला है। यहाँ बेसहारा बच्चे पढ़ते हैं, जिनका बचपन पढ़ने और खेलने कूदने के बजाय रेलवे की पटरियों के किनारे कूड़ा बीनने के काम में लगा हुआ था। लेकिन कूड़ा बीनने वाले हाथों में अब किताब है। बच्चे पहाड़ा सीख रहे हैं। इन बेसहारा बच्चों को सीमा अपने बच्चों की तरह मानती है। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो नशे की जद में थे, लेकिन सीमा अग्रवाल ने इनकी जिंदगी बदलने का सपना देखा था और हकीकत की तस्वीर कुछ ऐसी है। 4 महीना हो गए यहाँ से पढ़ाते हैं और हम लोग ट्यूशन पे हम लोग कचड़ा बीनते हैं और आते हैं इधर, यहाँ पर कपड़ा लत्ता खाना पीना मिलता है और उसके बाद छुट्टी हो जाता है। दुकान चलाकर गुजारा करने वाली सीमा अग्रवाल रोज दोपहर 3 बजे गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास पहुँच जाती है। उनको देखते ही करीब 50 बच्चों की टोली उनके पास पहुँच जाती है। बच्चों को किताब के अलावा खाना, खेलने का सामान और कपड़े भी दिए जाते हैं। मदर्स डे पर इन बेसहारा बच्चों के लिए केक भी काटा गया। वैसे कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, तो हमने ये सोचा कि मदर्स डे इनके साथ सेलिब्रेट करें तो इनको भी अच्छा लगेगा। सीमा अग्रवाल की इस मुहिम में कई और लोग आगे आए हैं। बेसहारा बच्चों के स्कूल में अध्यापकों की तादाद भी बढ़ गई है। इन बच्चों को पहले से ज्यादा सुविधा मुहैया कराई जा रही है। जो बच्चे कभी पढ़ते नहीं थे उनको पढ़ना भी आ गया है। जो है अभी इन लोगों से अगर आप पूछेंगे तो ये लोग बता भी देंगे लेटर वगैरह कि हाँ कौन सा लेटर क्या है। जो सीमा अग्रवाल के 2 बच्चे हैं, साथ ही इन बेसहारा बच्चों का भी वो सहारा बन चुकी हैं। इनमें से कई बच्चे तो ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं। ऐसे में सीमा का प्यार इन्हें माँ की ममता का एहसास दिलाता है। स्कूल की टीचर भी मानते हैं इस नेक मुहिम से इन बच्चों की जिंदगी सवर सकती है। प्रदीप तिवारी, जी मीडिया, गोरखपुर।